स्टूडेंट्स, तो आज है ब्लड रिलेशन का डे फोर और आज हम लोग सीखेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। और पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके से होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कि एक औरत से कहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म कहलाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं और सबसे आसान तरीका बताता हूं, जिससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो भी पॉइंटिंग फॉर्म के हो, कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिखूंगा और फिर मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप लोग अगर चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, जब मैं बोलूंगा तो आप उसको साथ साथ लिख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन In a photograph, a man said, "She is the mother of the father of my wife only son. How is woman related to man?" एक फोटो में औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पत्नी की इकलौते बेटे की पिता की माता है, तो बताएं उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप अप्रोच कीजिएगा। किसी भी टाइप के क्वेश्चन, किसी भी कितना भी लेंथी रिलेशन दिया हुआ हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट कौन कह रहा है। तो यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटो अ मैन सेड, यानी स्टेटमेंट मैन कह रहा है, यानी जो स्टेटमेंट कहेगा उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आदमी कह रहा है, मैन कह रहा है। अब क्या कह रहा है, अब आपको जो दूसरा स्टेप है, माई वर्ड ढूंढना है। हर क्वेश्चन में माई वर्ड लिखा रहेगा। अब जहां माई वर्ड होगा उसके बाद आपको राइट साइड के सारे रिलेशन को सॉल्व करना है। जहां भी माई वर्ड होगा पहले राइट साइड के सारे रिलेशन को सॉल्व करना है, जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर लेफ्ट साइड के सारे रिलेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरा क्या स्टेप था, सबसे पहले स्टेटमेंट कौन कह रहा है, तो मैन कह रहा है। उसके बाद माई वर्ड ढूंढना है और माई के राइट साइड जितने भी रिलेशन है सबको ड्रॉ करना है। तो लिख रहा है माई वाइफ, यानी इस पर्सन की वाइफ, इस पर्सन की वाइफ, यानी ये माइनस तो ये प्लस। ठीक है, माई वाइफ यानी जो स्टेटमेंट कह रहा है वो अपने आप के बारे में कह रहा है कि मेरी पत्नी, यानी माई वाइफ यानी इस मैन की वाइफ, ये हो गई। ओनली सन, अब इस औरत का ओनली सन ये हो जाएगा, ओनली सन। ठीक है, अब राइट साइड के रिलेशन को सॉल्व करने के बाद फिर अब लेफ्ट साइड के रिलेशन को एक एक कर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, माई वाइफ ओनली सन, और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे हमारा रिलेशन वहां तक पहुंचता जाएगा। जैसे माई वाइफ यानी यहाँ पहुंच गए, ओनली सन यानी यहाँ पहुंच गए, तो राइट साइड के सारे रिलेशन खत्म हो गए। अब लेफ्ट साइड के रिलेशन क्या कह रहा है, फादर, यानी इस पर्सन का फादर, इस पर्सन का फादर कौन होगा, ये। ठीक है, फादर भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, मदर, यानी इस पर्सन की मदर, ये। क्लियर है, यानी पहले राइट साइड के सारे रिलेशन को हमने सॉल्व किया, फिर लेफ्ट साइड के सारे रिलेशन को हमने सॉल्व किया। अब जो लास्ट पर्सन होगा उसका रिलेशन बताना है जो स्टेटमेंट कह रहा है, यानी जो भी लास्ट पर्सन होगा, जो भी स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन बताना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी लास्ट पर्सन ये है, तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये वुमेन जो है ये इसकी मदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर। क्लियर, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि स्टेटमेंट कौन कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, यानी ये स्टेटमेंट एक आदमी कह रहा है, यानी मैन कह रहा है। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ मैन को, बीच में लिख लिया। फिर माई वर्ड ढूंढना है और माई के राइट साइड के रिलेशन को सॉल्व करना है। तो माई का राइट साइड सबसे पहला क्या आ रहा है, वाइफ, तो इस पर्सन की वाइफ, यानी इस पर्सन की वाइफ, ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, ओनली सन, यानी इस औरत का ओनली सन, ये हो गया। ठीक है, अब राइट साइड के सारे रिलेशन खत्म हो गए, और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको आगे वाले पर्सन से रिलेशन बताना है। जैसे माई वाइफ यहां पहुंच गए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या कर रहा, ओनली सन, यानी इसका ओनली सन, ये, यानी यहां पहुंच गए। राइट साइड का रिलेशन खत्म हो गया, अब लेफ्ट साइड का रिलेशन क्या है, फादर, यानी अभी हम यहां पहुंचे थे, इसके बाद फादर कह रहा है, तो इस पर्सन का फादर कौन हो जाएगा, ये मैन, अब यहां पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पहुंच गए। फिर क्या कह रहा है, मदर, यानी इस पर्सन की मदर, यानी ये, अब यहां पहुंच गए। अब ध्यान रखिएगा जो भी लास्ट पर्सन होगा, जिसका भी डायग्राम आप सबसे लास्ट बनाइएगा,
उसका जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन पूछा जाता है। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर। और हिंदी में जो होगा वो आपको डायरेक्ट सॉल्व करते जाना है। जैसे यहाँ देखिए, वह मेरे पत्नी यानी इस पर्सन की पत्नी के इकलौते बेटे, ये इकलौता बेटा ये हो गया, के पिता इस पर्सन का पिता यानी ये हो गया, की माता है तो इस पर्सन की माता ये है, तो बताएं इस औरत का इस आदमी से क्या संबंध है। तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, मदर। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट कौन कह रहा है, उसके बाद माई वर्ड ढूंढना है, फिर माई के राइट साइड जो भी रिलेशन है सभी को सॉल्व करना है एक एक कर कर, फिर राइट साइड सॉल्व होने के बाद लेफ्ट साइड में रिलेशन एक एक कर कर ड्रॉ करना है, और जो लास्ट पर्सन होगा उसका जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन पूछा जाता है हमेशा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड, ही इज द सन ऑफ माई फादर, ब्रदर, ओनली सिस्टर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। यानी एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे बेटे के पिता के भाई की बहन है, तो बताएं उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है कि जो भी स्टेटमेंट कहेगा उसको हमें पहले ड्रॉ करना है। तो वुमेन कह रही है स्टेटमेंट, तो सबसे पहले बीच में हम रखते हैं वुमेन को, ठीक है। उसके बाद माई वर्ड ढूंढना है और माई के राइट साइड जो रिलेशन है उसको सॉल्व करना है। तो माई के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, फादर, यानी इस वुमेन का फादर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गए, फिर क्या कह रहा है, ब्रदर, यानी इस पर्सन का ब्रदर ये हो गया, अब यहाँ पहुंच गए। फिर क्या कह रहा है, ओनली सिस्टर, यानी इस पर्सन की ओनली सिस्टर ये हो गई, अब हम यहाँ पहुंच गए। अब माई के राइट साइड सारे रिलेशन को हमने सॉल्व कर लिया, अब माई के लेफ्ट साइड जो रिलेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो माई के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, सन, यानी इस लेडी का सन ये हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो भी लास्ट पर्सन होता है उसका जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन बताना होता है, यानी हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू, यानी इस औरत के बहन का बेटा, यानी ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू। क्लियर है? आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेड, सी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, हस्बैंड, ओनली सिस्टर, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। यानी एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे माता की बहू के पति की बहन है, तो बताएं उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है। तो सबसे पहला स्टेप कौन स्टेटमेंट कह रहा है, मैन, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे मैन स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। फिर माई वर्ड ढूंढना है और माई के राइट साइड जो भी रिलेशन है उसको सॉल्व करना है। अब देखिए, माई के राइट साइड लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यानी बहू, तो डायरेक्ट बहुत लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इस तरीके से, जो कि गलत है। स्टेप बाय स्टेप करना है। बहू कह रहा है यानी इस पर्सन का कोई बेटा होगा और उसकी वाइफ होगी, यही बहू होगी, हाँ या ना। कह रहा है माई डॉटर इन लॉ, यानी इस पर्सन की बहू, यानी इसका कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ ये होगी, तभी बहू होगा, हाँ या ना। तो अब यहाँ पहुंच गए बहू। फिर क्या कह रहा है, डॉटर इन लॉ के बाद हस्बैंड कह रहा है, तो इस लेडी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, ये, यानी यहाँ पहुंच गए। ओनली सिस्टर, यानी इस पर्सन की ओनली सिस्टर, यानी ये। अब राइट साइड सारे रिलेशन खत्म हो गए, अब लेफ्ट साइड जो रिलेशन है उसको सॉल्व करना है। तो माई के लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, मदर, यानी इस लेडी की मदर, यानी ये हो गई। अब ध्यान रखिएगा, ये इसका भाई है जिसके फादर ये हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मदर, यानी ये माइनस तो ये प्लस। और हमेशा जो लास्ट पर्सन होता है उसका जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन पूछा जाता है। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, आंसर हो जाएगा वाइफ। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो आंसर होगा वाइफ। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेड, ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कौन कह रहा है, वुमेन, तो स्टेटमेंट कह रही है वुमेन, ठीक है। माई वर्ड ढूंढना है और माई के राइट साइड जो रिलेशन है उसको एक एक कर कर सॉल्व करना है। यहाँ कह रहा है डॉटर इन लॉ, यानी इसकी बहू, यानी इस वुमेन का कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ क्या हो जाएगी, बहू, यानी यहाँ पहुंच गए। फिर क्या कह रहा है, फादर इन लॉ, यानी इस लेडी का फादर इन लॉ, यानी ससुर, यानी इसके हस्बैंड का फादर, हाँ या ना। तो इस लेडी का हस्बैंड ये है जिसके फादर ये होंगे, क्योंकि ये तो मदर है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर।
अब राइट साइड मैंने सारे रिलेशन को सॉल्व कर लिया, अब लेफ्ट साइड रिलेशन को सॉल्व करना है। अब क्या लिखा हुआ है, फादर यानी इसके फादर यानी ये हो गए। तो जो बच गया मतलब जो लास्ट पर्सन है उसका जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन पूछा जाता है। तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी ये जो मैन है इसके हस्बैंड का फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ यानी ससुर। क्लियर? एकदम इसी तरीके से आपको बनाना है, पहले जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको ढूंढना है, उसके बाद माई वर्ड ढूंढना है, माई के राइट साइड सारे रिलेशन को एक एक कर सॉल्व करना है, फिर लेफ्ट साइड रिलेशन को सॉल्व करना है, और जो लास्ट पर्सन होगा उसका जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे रिलेशन हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन वुमेन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो हमारा स्टेप क्या है, स्टेटमेंट कौन कह रहा है, तो वुमेन कह रही है, ठीक है, वुमेन स्टेटमेंट कह रही है। माई वर्ड ढूंढना है, माई के राइट साइड सभी को सॉल्व करना है, डॉटर इन लॉ यानी इस वुमेन का कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ ये होगी, वुमेन इन लॉ। फिर क्या कह रहा है, ओनली सन, ओनली सन ये हो गया, सॉरी डॉटर इन लॉ, उसके बाद ओनली सन यानी ओनली सन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस लेडी का ओनली सन, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली सन्स फादर, अब हम यहाँ पहुंच गए और इसका फादर कौन हो जाएगा, ये यहाँ पहुंच गए। अब माई के राइट साइड सारे रिलेशन को सॉल्व कर लिया, अब माई के लेफ्ट साइड जो रिलेशन है उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, ओनली सन, सॉरी ओनली सन यानी हम यहाँ पहुंच गए थे, इसका ओनली सन ये हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी लास्ट पर्सन ये है, तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन यानी इसके बेटे का बेटा है, यानी ये क्या है, पोता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। क्लियर है? यानी जो स्टेप मैं कह रहा था आपको वैसे ही करना है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता देता हूं, स्टेटमेंट कौन कह रहा है, वुमेन कह रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, माई के राइट साइड डॉटर इन लॉ यानी इसकी इसका कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ, ये हो गया डॉटर इन लॉ, अब हम यहां पहुंच गए। फिर ओनली सन यानी इस लेडी का ओनली सन यानी ये, अब हम यहां पहुंच गए। उसके बाद क्या कह रहा है, फादर यानी इस पर्सन का फादर ये, यानी यहाँ पहुंच गए, ठीक है। माई के राइट साइड सारा रिलेशन सॉल्व हो गया, अब माई के लेफ्ट साइड रिलेशन को सॉल्व करते हैं, तो माई के लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, ओनली सन यानी अभी हम यहाँ थे और इसका ओनली सन ये, यानी यहाँ पहुंच गए फाइनल। और जो लास्ट पर्सन होता है उसका रिलेशन बताना होता है जो स्टेटमेंट कह रहा है, तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये उसका पोता है, क्योंकि ये क्या है, इस औरत के बेटे का बेटा है, तो ये क्या हो गया, पोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन मैन सेड सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ हस्बैंड, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कौन कह रहा है, मैन, ठीक है, मैन स्टेटमेंट कह रहा है। उसके बाद माई वर्ड ढूंढना है और माई के राइट साइड को सॉल्व करना है, यानी माई मदर इन लॉ यानी इस पर्सन का मदर इन लॉ यानी सास कौन हो जाएगी, यानी इसकी कोई बेटी होगी, सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ यानी इस पर्सन की मदर इन लॉ यानी इस पर्सन की मदर इन लॉ क्या हो जाएगी, यानी इसकी, एक मिनट, चलिए क्या कह रहा है, माय मदर इन लॉ यानी इस पर्सन की मदर इन लॉ यानी इसके वाइफ की, इसकी वाइफ की मदर यानी इस पर्सन की कोई वाइफ होगी जिसकी मदर क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। और मदर इन लॉ के बाद क्या लिखा हुआ है, हस्बैंड यानी मदर इन लॉ, यहाँ पहुंच गए, इसका हस्बैंड यानी ये हो गया, अब यहाँ पहुंच गए हम, राइट साइड सारे रिलेशन खत्म हो गए। अब माई के लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, ओनली डॉटर यानी इस पर्सन की ओनली डॉटर, ये यानी यहाँ पहुंच गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी क्या हो जाएगी, इसके हस्बैंड की बहन यानी ये। तो पूछ रहा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी ये क्या हो जाएगी, सिस्टर। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, स्टेटमेंट कौन कह रहा है, मैन, ठीक है, स्टेटमेंट मैन कह रहा है। उसके बाद माई वर्ड ढूंढना है, माई के बाद क्या लिखा हुआ है, मदर इन लॉ यानी इस पर्सन की मदर इन लॉ यानी इसकी कोई वाइफ होगी जिसकी मदर होगी, मदर इन लॉ यानी सास। मदर इन लॉ के बाद क्या लिखा हुआ है, हस्बैंड यानी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और इसका हस्बैंड ये हो जाएगा, अब हमारा फाइनल रिलेशन यहाँ पहुंचा है। अब माई के राइट साइड सारे रिलेशन खत्म हो गए हैं, अब माई के लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, ओनली डॉटर
यानी इस पर्सन की ओनली डॉटर यानी ये यहाँ पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिस्टर इन लॉ यानी इस लेडी की सिस्टर इन लॉ यानी इसके हस्बैंड की बहन, वही सिस्टर इन लॉ हो गई यानी ये। और पूछ रहा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, पॉइंटिंग टू अ मैन वुमेन सेड ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर इन लॉ, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट कौन कह रहा है, वुमेन, ठीक है वुमेन। फिर माई वर्ड ढूंढते हैं और माई के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, फादर इन लॉ, यानी वुमेन का फादर इन लॉ कौन होगा, यानी इसके हस्बैंड का फादर होगा फादर इन लॉ, ठीक है। अब माई के राइट साइड सारे रिलेशन सॉल्व हो गए, अब माई के लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ, ओनली ग्रैंड सन, यानी यहाँ हम फाइनल पहुंचे थे, इस पर्सन का ओनली ग्रैंड सन क्या हो जाएगा, इसके बेटे का बेटा यानी पोता कह रहा है, यानी इस पर्सन का बेटे का बेटा क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। अब हम यहाँ पहुंच गए, फिर ग्रैंड सन के बाद क्या लिखा हुआ है, वाइफ, यानी इस पर्सन की वाइफ यानी ये वाइफ भी सॉल्व हो गया। फिर क्या लिख रहा है, फादर इन लॉ, यानी इस लेडी का फादर इन लॉ क्या हो जाएगा, इसके हस्बैंड का फादर यानी ये, यानी यहाँ पहुंच गए। अब पूछ रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड। क्लियर, तो ये था आपका पॉइंटिंग फॉर्म, यही स्टेप बनाइए। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि स्टेटमेंट कौन कह रहा है, फिर माई वर्ड और माई के राइट साइड सारे रिलेशन और माई के लेफ्ट साइड रिलेशन, स्टेप फॉलो कर एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, एक एक रिलेशन को सॉल्व कीजिए, डायग्राम बनाइए, और कितना भी लेंदी क्वेश्चन होगा आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।